कि यहाँ होटल में रूम नहीं मिलते। मुझे पता कितने लोग मुझे फ़ोन करते हैं, यार मधुर भाई कोई होटल में रूम नहीं मिल रहा है, चाहे वो खैबर हो, चाहे ललित हो, ताज हो। तो इससे पता चलता है कि कितना टूरिज़्म बड़ा है। कोई चाहता है कश्मीर में आए, अपना खुद का स्विट्ज़रलैंड में कहूँगा उसको है, और इतना लोग इसे पसंद करे, और हमारे पास इसमें सब कुछ है, और कई ऐसे अनएक्सप्लोर लोकेशन है। मैं चाहूँगा टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से इसको और उजागर किया जाए, और हमारे फिल्म इंडस्ट्री को बताया जाए कि ऐसे कुछ लोकेशन हैं जहाँ पे अनएक्सप्लोर है, जहाँ एक्सप्लोर नहीं हुए। बस मैं यही चाहूँगा। धन्यवाद। मैं तकरीबन पिछले 16-17 साल से कश्मीर बहुत रेगुलर आ रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। मुझे याद है ये, मैं कश्मीर में 2007 में कुछ आया था, पहली बार जब आया था मैं, और जब से मुझे कश्मीर इतना अच्छा लगता है कि मैं हर साल आता हूँ। हालांकि जब पेंडेमिक था उसके बीच में भी एक मैं राउंड मार के गया था, तो मुझे हमेशा कश्मीर के, यहाँ पे मेरे दोस्त बहुत है, भाई है हमारे कुछ, मुझे खाना यहाँ का बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का लोकेशंस बहुत ही अच्छा लगता है, कई ऐसी जगह है, और मैं हमेशा लोगों से मिलता हूँ। मुझे ऐसा कोई स्क्रिप्ट, ऐसा कोई सब्जेक्ट अगर मुझे मिलेगा यहाँ पे, जो मुझे लगेगा मेरे स्टाइल का है, देखिए मैं वही फिल्म बनाऊँगा जहाँ मुझे लगेगा मैं जस्टिस कर पाऊँ, जहाँ मुझे लगेगा कि मैं इसको न्याय दे सकता हूँ उस पिक्चर को, उस सब्जेक्ट को, तभी मैं फिल्म बनाता हूँ। अगर मुझे ऐसा कोई सब्जेक्ट मिलेगा, मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल रहा हूँ लोगों को, और अभी मैंने जो शॉर्ट फिल्म्स का यहाँ पे आज फेस्टिवल है, जो कॉन्क्लेव फेस्टिवल है, वहाँ पे मैं जूरी में हूँ, और मैंने कहीं यहाँ के लोकल टैलेंट, हमारे कश्मीरी लड़कों ने बहुत कमाल की फिल्में बनाई हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी बताई जिन्होंने, हमने तीन चुना है। मेरे ख्याल से ये अपने आप में दिखाता है कि टैलेंट कितना है यहाँ पे, और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे ऐसा कोई सब्जेक्ट मुझे मिले, चाहे वो सीरीज़ के माध्यम से हो, चाहे वेब सीरीज़ भी बहुत ही अच्छा चलता है, या फिल्म के माध्यम से है, अगर मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, मुझे लगेगा कि नहीं ऐसा बनाना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि मैं एक फ़िल्म बनाऊँ यहाँ पर, क्योंकि मैं भी आज इतने लोकेशन यहाँ पर देख रहा हूँ। और देखिए कश्मीर हमेशा है कि हम बचपन से देख रहे आ रहे, मैं खुद 70s-80s में इतनी पिक्चरों की शूटिंग होती थी, और जो भी मैं सुनता हूँ कि यहाँ पे 6-6, 8-8 पिक्चर की शूटिंग एक साथ होती थी, जितने भी हमारे पुराने एक्टर्स वेटरन्स रहे हैं, स्टालवर्ट्स रहे हैं, चाहे धर्म जी हो, राजेश खन्ना जी, अमित जी हो, जितेंद्र साहब हो, इनकी सबकी शूटिंग यहाँ पर हुई है, लोग आते शूटिंग करते थे, गाने आज भी इसके पॉपुलर है। और मेरे ख्याल से आज जो LG साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है, ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है, और कॉन्क्लेव जो हो रहा है ये बहुत अच्छा संदेश मैसेज जाएगा पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में जाएगा, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि किस तरह से कश्मीर जो है वो इतना कोऑपरेटिव और इतना इनिशिएटिव ले रहा है फिल्म इंडस्ट्री को लेके। फिल्म इंडस्ट्री मैं नहीं कहूँगा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, आज साउथ का सिनेमा बहुत बड़ा है, साउथ से भी लोग यहाँ पर आके शूटिंग करते, जो अपना ये करते, और जो इंसेंटिव हमें यहाँ पर गवर्नमेंट देगी, और जो एक कोऑपरेशन मिलेगा सिंगल विंडो का, अगर हो जाए तो भी वो अच्छा हो जाएगा, जहाँ पे हमें वो कोऑपरेशन मिले। तो मैं चाहूँगा कि जब लोकली, जब क्या होता है कि जब काम ज़्यादा होता है, शूटिंग ज़्यादा होती है, मैं हमेशा कहता हूँ लोकल्स को बहुत काम मिलता है, लोकल आर्टिस्ट होए, लोकल टेक्नीशियन होए, लोकल जितने आपके टैलेंट है, चाहे वो राइटर हो, लिरिसिस्ट हो, चाहे वो गाने के तौर पर, मेरे ख्याल से आज ये मैसेज बहुत ही अच्छा जाएगा, और मैं सब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर, 16 साल पहले कश्मीर और आज के कश्मीर में क्या बदलाव नज़र आता है? बहुत बदलाव नज़र आता है। मुझे लगता है आज जो टूरिज़्म है इतना बड़ा है कि यहाँ होटल में रूम नहीं मिलते। मुझे पता कितने लोग मुझे फ़ोन करते हैं, यार मधुर भाई कोई होटल में रूम नहीं मिल रहा है, चाहे वो खैबर हो, चाहे ललित हो, ताज हो। तो इससे पता चलता है कि कितना टूरिज़्म बड़ा है, और हम देखते हैं, हम जब जाते हैं तो चाहे गुलमर्ग में हो, गंडोला राइड हो, फेज़ 2 हो, या यहाँ पे हम दल लेक में देखते कितनी, किस तरह से टूरिज़्म आते हैं होटल्स में। मैं कई लोगों से मिला, कई लोग ऑल इंडिया वर्ल्ड से फॉरेनर्स है, चाहे तुम्हारे दुबई से लोग आते हैं, अमेरिका से लोग आते हैं। तो मेरे ख्याल से टूरिज़्म का बहुत ही बड़ा ही एक ये हो गया है, और आज हर कोई चाहता है कश्मीर में आए, अपना खुद का स्विट्ज़रलैंड में कहूँगा उसको है, और इतना लोग इसे पसंद करे, और हमारे पास इसमें सब कुछ है, और कई ऐसे अनएक्सप्लोर लोकेशन है। मैं चाहूँगा टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से इसको और उजागर किया जाए, और हमारे फिल्म इंडस्ट्री को बताया जाए कि ऐसे कुछ लोकेशन हैं जहाँ पे अनएक्सप्लोर है, जहाँ एक्सप्लोर नहीं हुए। बस मैं यही चाहूँगा। धन्यवाद।